दर्शकों, आपने वड़ा पाव तो बहुत सुना होगा, लेकिन उल्टा वड़ा पाव कभी सुना है? नहीं ना। तो हम बहुत ही जायके वाला उल्टा वड़ा पाव खाने जा रहे हैं, जो कि ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस के मस्त चंद कदम की दूरी पर ही वड़ा पाव का ठेला स्थित है। तो हम चलते हैं वहाँ वड़ा पाव और बताते हैं कि वो उल्टा वड़ा पाव है क्या। उल्टा वड़ा पाव, हाँ, हम पहुँच चुके हैं उल्टा वड़ा पाव के स्टॉल पे और देखेंगे कि वड़ा पाव में आखिर क्या क्या लगता है, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या मसाले हैं और कैसा वड़ा पाव को बनाया जाता है। तो आइए भैया, वड़ा पाव तो हमने सुना था, लेकिन ये उल्टा वड़ा पाव क्या है? मैडम, ये उल्टा वड़ा पाव जो है वो बॉम्बे का फेमस डिश है, अभी अभी नया ट्रेंड में चल रहा है। तो उसको क्या है, मैंने भी मतलब मेरे दोस्त ने बताया भी था और दूसरा कि मैं इसको ना यूट्यूब में देखा हूँ, तो यूट्यूब में देखते हुए इसको मेरे को मतलब पसंद आया और यहाँ पे कोई जगह भिलाई में स्टॉल ही नहीं है इसका, तो मैं इसको खोल दिया यहाँ। तो थोड़ा बताएंगे कि कैसा बनाते हैं वड़ा पाव, क्या क्या इसमें सामग्रियाँ लगती है? इसमें कुछ खास नहीं लगता, तो इसको घर में आसानी से भी बनाया जा सकता है। इसमें ब्रेड लगता है, और ये आलू का मसाला लगता है, और इमली की मीठी चटनी लगती है, और ये मिर्च का लगता है चटनी, और आप और जैसे पिज्जा में सामान जो डलता है ना, चिल्ली फ्लेक्स हो गया, ऑर्गिनो हो गया, चीज़ हो गया, बटर भी डालता हूँ इसमें, मायो भी डालता हूँ। तो ये सब का बनाने के बाद में आप जैसे देखेंगे ना, तो पिज्ज़ा टाइप का ऊपर में उसका मतलब डिज़ाइन आएगा, ऊपर में जब मैं उसको बड़ा पाव का बनाऊंगा तो उसका एकदम डेकोरेशन जो है ऊपर का, मैं उसको पिज्जा टाइप का बना देता हूँ। जैसा कि पहला भिलाई में हमने उल्टा वड़ा पाव का ठेला देखा, तो क्या जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं इसका जायका लेने, इसको टेस्ट करने, वो पूछते हैं कि उल्टा वड़ा पाव क्या है? जी बिल्कुल पूछते हैं, फिर मैं वही बताता हूँ जो आपको मैं बताया हूँ। तो देखा दर्शकों, उल्टा वड़ा पाव अब ये हमको बना कर दिखा रहे हैं और शायद हमको ये टेस्ट भी करा दें कि उल्टा वड़ा पाव किस टेस्ट का लगता है। इन ब्रेड के स्लाइसेस को क्या करेंगे आप? मैं इसमें अभी हरी मिर्च लगाऊंगा, इसमें जो चटनी रहता है वो, और इमली की चटनी लगाऊंगा, उसके अंदर में मैं डालूंगा बटर, और फिर उसके ऊपर मैं बताया था आपको आलू का मसाला, उसको डालूंगा, फिर उसको बेसन में डिप करूंगा और फिर फ्राई करने के लिए डाल दूंगा। क्या जो जनरल वड़ा पाव होता है उसमें भी बेसन को इस्तेमाल किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, उसको वो तो नॉर्मल रहता है ना, उसमें पाव रहता है, पाव के अंदर वड़ा डाला जाता है, फिर आपको तावे में सेक के उसको आपको दे दिया जाता है। अब ये जो है उसका तो देखे दर्शकों, वड़ा पाव कैसा बनेगा, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मसाले लगेंगे, ये इसको तैयार कर रहे हैं। एक वड़ा पाव में कितनी लागत आती होगी? 35 से 40 रुपए। तो जैसे भी चीज भी काफी महंगा होता है, मसाले भी कोई सस्ते तो है नहीं, तो कुछ बच पाता है? इसको क्या है, मैं इसको 50 रुपये में बेचता हूँ और लागत ये 35 से 40 रुपये का आता है। इसमें जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, वो एक क्यूब के बराबर चीज़ लगता है और एक क्यूब मार्केट में आपको 18 से 19 रुपये का मिलता है। मतलब 15 रुपये आपको पर वड़ा पाव में, उल्टा वड़ा पाव में बच जाता है। हाँ, 12-15 रुपये बच ही जाता है। जोमेटो सर्विस या स्विगी भी आप वो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, आगे सोचूंगा उसके लिए। दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में उल्टा वड़ा पाव ऐसा फेमस होगा कि ये स्विगी, जोमेटो सभी सर्विसेज चालू कर देंगे इसी जगह से। लोचन, यही नाम है आपका सर? मैं पूछना चाहती हूँ भैया कि जैसे ये फूड हब है, फूड जोन है, जुनवानी का ये रोड जो है कहलाता है, काफ़ी फूड जोन है, बिरयानी सेंटर्स, अमन ढाबा और काफ़ी फूड प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, लोग शाम बाद आते हैं, ऐसे में वड़ा पाव की डिमांड लोगों के बीच रहती है? जी अभी क्या है, मैं नया नया यहाँ पे खुला हूँ तो उस हिसाब से ठीक ही है। क्या है, यहाँ पे दुकान भी नहीं है इसका, तो ये एवरेज में अभी चल रहा है, अब धीरे धीरे क्या है आदमी को पता चलेगा, उसके बाद में यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। जी, हम उम्मीद जताते हैं त्रिलोचन भाई का बिजनेस आगे बहुत फले फूले। ये तैयार कर रहे हैं वड़ा पाव और अभी फ्राई हो रहा है ब्रेड।
चीज के बाद इसको मैं फायर करूंगा, इसके गैस गैस का केन है ये, इसे फायर करूंगा। ये कौन सा ट्रेंड है? ये इसको फायर करूंगा तो वो चीज जो है वो पूरा पिघलेगा पिघलेगा जी। क्या जो ज्यादातर हम बड़ा पाव खाते हैं उसमें भी ऐसे ही फायर करना होता है? नहीं नहीं, वो नॉर्मल बड़ा पाव होता है, चीज डलेगा ही नहीं तो कैसे फायर करेंगे। इसके बाद में फिर मेयोनीज। फायर का मकसद सिर्फ चीज को पिघलाना है जी। मेयोनीज जी, फिर से मेयोनीज डाला हूं उसमें। चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ये वाला। और ये है ऑर्गिनो। ऑर्गिनो, इसका टेस्ट हल्का तीखा आता होगा जी। तो ये तैयार हो चुका है उल्टा वड़ा पाव। वाओ, तो दर्शकों ये उल्टा वड़ा पाव बनकर बिल्कुल तैयार है और हम इसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा इसका जायका है। बहुत गर्म है और लेकिन सबर भी नहीं हो रहा है। वाओ, बहुत टेस्टी। मेरा तो कहना है कि अगर आप इसको खाने से चूक रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जुनवानी रोड ग्रैंड एशियन के सामने आप आए और उल्टा वड़ा पाव का जायका जरूर जरूर और जरूर लें। उल्टा वड़ा पाव, जी हाँ, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए पिज्जा ही है। तो एक बार ट्राई जरूर करें उल्टा वड़ा पाव, जुनवानी रोड। वेलकम उल्टा वड़ा पाव।